हेलो, मेरा नाम है चंद्र हास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की नई सीरीज, और इसके पार्ट वन में हम सीखेंगे या समझेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन आखिर है क्या, कैसे इसके सवाल पूछे जाते हैं, टाइप्स क्या होते हैं सवालों के, कितने फॉर्मेट्स होते हैं क्वेश्चंस पूछने के, और बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप एक समझ सकते हैं पॉइंट कि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप डेटा इंटरप्रिटेशन का हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप बाई टाइप, हर एक तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सबको हम इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल सके कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल की तैयारी करनी है। तो आप चाहते हैं कि आपको सारी वीडियोस मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर समझते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, तो अगर हम देखें फॉर्मेट्स को, तो आपके अगर देखा जाए ऐसे तो टोटल 7 फॉर्मेट्स ऐसे निकल के आते हैं जहां से आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछे गए ही गए हैं। कुछ फॉर्मेट्स तो ऐसे हैं जहाँ से अक्सर सवाल पूछे ही जाते हैं। तो ये फॉर्मेट्स अगर देखिए तो इसमें पहले नंबर पर है टेबल DI। टेबल DI में क्या है कि पहले नंबर पर जो है इसमें आपको टेबलो फॉर्म में डेटा दिया जाता है, और उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं, कई बार पूरा पूरा डेटा दिया जाता है और आपको उसके आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है ये आपका टेबल DI ही है। टेबल DI से प्रीलिम्स में 99% चांसेस रहते हैं एक ना एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या फेवरेट है वो है पाई चार्ट DI। पाई चार्ट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे पाई चार्ट दिया जाता है। पाई चार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है या देखा है तो जो ऐसे गोला बना करके दिया जाता है जिसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, डिवाइड ऐसे रहता है और सबका यहाँ पे या तो परसेंटेज दिया रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे या तो रेशियो दिया रहेगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे डेटा के रूप में वैल्यू पता रहेगी। ओके, जैसे 15% है कह देगा, ये 25% है, ये आपका 35%, ऐसे करके आपको यहाँ पे परसेंटेज में, कई बार डिग्री में या फिर कह सकते हैं रेडियन में वैल्यूज़ दी रहती हैं, तो इस तरह के आंकड़े दिए रहते हैं। ये भी एक हॉट टॉपिक है जहाँ से कई बार आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर तीसरा है आपका लाइन डायग्राम या फिर कह सकते हैं लाइन ग्राफ DI। ओके, इसमें क्या होता है कि आपके सामने एक चार्ट होता है, इस चार्ट को इस तरीके से X और Y के फॉर्मेट में दिखाया जाता है, और इसमें लाइनें होती हैं, एक दो या फिर तीन भी लाइन कई बार पूछी जाती है, जिनमें आपको यहाँ पे डेटा की वैल्यू जो है गिवन रहती है। जैसे ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे जैसे दिखा दिया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे दिखा दिया कि कॉलेजेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, इस तरीके से आपके सामने डेटा दिया जा सकता है। ओके, तो ये होती है लाइन डाइग्राम। फिर आता है चौथे नंबर पे बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है कि आपको ऐसे जो लंबे लंबे ऐसे बार्स होते हैं उसके रूप में डेटा दिया रहता है, गिवन रहता है। ओके, तो ये आपका जो होता है ये बार डायग्राम होता है। इस तरीके से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा यहाँ पर जो सवालों की संख्या कम हो गई है, लेकिन ये भी आपका एक टाइप है जिसको आप मिस नहीं करना चाहते। पाँचवा जो टाइप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं, खासतौर पर SBI के एग्ज़ाम्स में, पैराग्राफ या फिर केसलेट्स DI। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी डायग्राम नहीं होता है, आपको पैराग्राफ के रूप में एक क्वेश्चन गिवन रहता है, और पैराग्राफ वो आपका 7 से 8 लाइन का, 10 लाइन का हो सकता है, और उसी में आपको सारी डेटा गिवन रहती है। फिर उसके अनुसार आपको खुद से जो भी डायग्राम बनाना है वो बनाना है, टेबल अरेंज करनी है तो अरेंज करिए, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो DI आता है वो पैराग्राफ DI या केसलेट DI ही होता है। कई बार क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन इसमें करना क्या है, आपको पहले जो यहाँ पे डेटा दिया जा रहा है पैराग्राफ के रूप में, वर्ड्स के रूप में, उसको कन्वर्ट करना है एक टेबल डायग्राम के रूप में या फिर किसी भी डायग्राम के रूप में आपको उसको कन्वर्ट करना है। ओके, फिर उसके बाद इसका आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। आपने इतना जो काम किया कि पढ़ पढ़ के अच्छा दिया गया है कि स्कूल ABC है, स्कूल A में इतने बच्चे हैं, स्कूल B में इतने बच्चे हैं, इसमें से इतने बॉय हैं, इतने गर्ल्स हैं, ये सब लेकर के आप एक पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे, इसका कोई नंबर नहीं मिलना।
फिर इस टेबल के आधार पे आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके जब आंसर करेंगे तभी आपको एक नंबर मिलना है। ये जो आपकी मेहनत है कोई देखता नहीं है, इसीलिए DI जो होती है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कठिन तो नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग आपकी होती है, पैराग्राफ या केसलेट्स DI। ओके, और कई बार इसको लोग छोड़ भी देते हैं, और अगर यहीं पे आप इस DI को करते हैं तो काफ़ी आगे आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आसान क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर जो जनता होती है वो कर ही लेती है, जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं वही आपको मेरिट लिस्ट में या तो ले जाते हैं या तो वहाँ से बाहर निकालते हैं। अगर आप टफ़ क्वेश्चंस को टच नहीं करते हैं, उसको छोड़ के निकल जाते हैं, तो आप समझिए कि आप ज़्यादातर जो 70% लोग हैं 80% लोग हैं उसी वाली जमात में हैं कि वो भी सारे आसान क्वेश्चंस करके आएंगे, लेकिन जो टफ क्वेश्चन करता है, ट्राई करता है, उसको सही करता है, वही आगे बढ़ पाता है। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट DI है, पैराग्राफ या फिर केसलेट्स। फिर छठा जो यहाँ पे टाइप है वो है रडार DI का। रडार DI जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, रडार की तरह इसका फॉर्मेट होता है, और इसमें आपके लिए क्या होता है कि ऐसे तो नहीं होता, ये आपका इस तरीके से होता है, पेंटागन के रूप में हो सकता है, हेक्सागन के रूप में हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से DI होता है, और ये पूरा अंदर तक भी ऐसे ही आपकी बनी रहती है DI, और इसको समझना कई बार आपके लिए कठिन होता है, ये इस तरीके से इसमें डायग्राम बने, मतलब इसके इस तरह के टाइप हो सकते हैं, कई बार इसको और भी शेप में दिया जा सकता है, तो इस तरीके से DI होते हैं, इसमें ABC ऐसे करके पॉइंट्स होते हैं, नीचे तक ऐसे बने होते हैं, तो ये आपको समझना होता है। तो इसकी क्या है कि DI के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना या फिर इस रडार DI से डेटा को निकालना, फेच करना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, फिर कई बार एग्ज़ाम का जो प्रेशर रहता है उसमें आप कर नहीं पाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट DI है। फिर सातवां DI है आपका ट्राइंगल DI। ट्राइंगल DI जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्राइंगल के रूप में आपके इसके क्वेश्चन आपके रहते हैं, और फिर वहाँ पर आपको इसके आंसर देना रहता है, इस तरीके से ऐसे बना रहेगा, और ये ऐसे डेटा यहाँ पे गिवन रहता है, तो आपको यहाँ पे देखना रहता है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट कट हो रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है, इस तरीके से आपकी ये DI होती है ट्राइंगल के रूप में। जो रडार DI है और जो ट्राइंगल DI है, इसमें बाकी DI की तुलना में कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो ऊपर के 3 DI हैं और ये जो पाँचवा जो नंबर है पैराग्राफ DI का, ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं वाले पैटर्न से या फॉर्मेट से आपका पूछा जाता है। बाकी मैं बात करूं बार डायग्राम के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रडार और ट्राइंगल बहुत ही रेयर केस में आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आते हैं और आप इनको करते हैं तो आप सेलेक्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ इसको ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे ये 7 तरह के DIs हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये पैटर्न समझ सकते हैं, 7 तरह के हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं अब हम उसको समझते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन पूछने का प्रकार क्या होता है। ये तो हमने समझा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस कि यहाँ पे कितने फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम टाइप समझें कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, तो आपके लिए और यहाँ पे आसानी होगी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे टोटल 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एक तो होगा सिंगल DI, जो कि ज़्यादातर जो है आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अब प्रीलिम्स में आपके पूछे जाने की इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे समय कम रहता है, तो अगर सिंगल DI नहीं देंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, उतना उनको भी समझ में आता है कि कितने समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंगल DI में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जो अभी हमने पीछे फॉर्मेट्स पढ़े हैं, इसके सिंगल सिंगल क्वेश्चन के, एक टेबल DI, एक पाई चार्ट, एक लाइन ग्राफ, एक बार डायग्राम, ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंगल केवल एक ही चित्र बना रहेगा, एक चाहे टेबल बनी हो, एक चाहे लाइन ग्राफ बना हो, एक चाहे पाई चार्ट बना हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आएंगे। ओके, फिर दूसरा जो इसका टाइप है जिसमें लिखा हुआ है मिक्स और डबल DI क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या है, तो मिक्स या डबल DI का मतलब क्या है कि इसमें हम दो फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं, या फिर एग्जामिनर जो होता है वो दो फॉर्मेट्स का यूज़ करता है। जैसे आपका एक यहाँ पे दे दिया पाई चार्ट और एक दे दिया टेबल। पाई चार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे पाई चार्ट में आपको दे दिया कि यहाँ पे परसेंटेज है स्टूडेंट्स का जो कि पढ़ते हैं, टेबल में दे दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो। तो इस तरीके से दो यहाँ पे फॉर्मेट्स यूज़ हुए क्वेश्चन को बनाने में, एक पाई चार्ट, एक टेबल। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक डबल भी लिखा हुआ है, डबल का मतलब कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं डबल या ट्रिपल में पूछे जाते हैं। पाई चार्ट को जैसे ले लीजिए, तो पाई चार्ट में केस बहुत कॉमन होता है, और टेबल में कि आपके क्वेश्चन जैसे एक पाई चार्ट में दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, दूसरे में दे दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे केवल बॉयज़ का परसेंटेज दे दिया कि कितने परसेंट हैं बॉयज़ के, फिर आपको गर्ल्स का निकालना होगा। तो ऐसे दो दो यहाँ पे पाई चार्ट आपको दिए जाएंगे, या कई बार आपके 3 पाई चार्ट भी दिए जाते हैं,
वो बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है, तीन वाला, लेकिन दो तो बड़ा कॉमन होता है आपके मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए, वहाँ पे दिए ही जाते हैं। इसी तरह टेबल में भी दो दो टेबल्स दे दी जाती हैं कई बार, या फिर आपके यहाँ पे लाइन ग्राफ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे दो दो लाइन ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह के जो डबल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके एक ही टाइप के या फिर एक ही फॉर्मेट के दो आपके ग्राफ मौजूद रहते हैं। ध्यान रखिएगा, मिक्स का मतलब जब दो अलग अलग फॉर्मेट्स के क्वेश्चन हो, एक टेबल दे दिया और एक लाइन दे दिया, एक पाई ग्राफ, एक पाई चार्ट दे दिया, एक लाइन ग्राफ दे दिया, एक पाई चार्ट, एक टेबल, क्वेश्चन वो एक ही रहेगा लेकिन इसमें दो तरह के फॉर्मेट्स का यूज़ करेंगे। डबल का मतलब यहाँ पे है कि आपके एक ही फॉर्मेट के दो चित्र आपके सामने या दो ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। जैसे पाई चार्ट की बात करें तो दो दो पाई चार्ट, लाइन ग्राफ की बात करें तो दो दो लाइन ग्राफ, ऐसे आपके सामने क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं डबल या फिर मिक्स वाले, इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादातर मेंस के एग्ज़ाम में रहती है, मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कई बार इनको करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि आपको अगर फिच करना होता है डेटा और आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से फेच करना है, वहीं पे आपका समय जाता है। कैलकुलेट करने में तो आसानी होती है लेकिन जब आप डेटा फेच कर पाएँ तब। ओके, जो तीसरा टाइप है जो कि पिछले एक साल या कह सकते हैं 2 साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है अर्थमेटिक टॉपिक्स के ऊपर DI। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिंगल या फिर मिक्स आपका DI पूछा जाता है या फिर डबल DI पूछा जाता है, लेकिन इसका जो टाइप होता है ये जैसे बाकी के DIs होते हैं कि एक स्कूल की बात हो गई, एक कॉलेज की बात हो गई, एक कंपनी की बात हो गई, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने हैं, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है या मैन एंड वुमेन का रेशियो कितना है, या फिर कितने ए क्लास एम्प्लॉय है, कितने बी क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो हमारी जनरल लाइफ होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कि अगर पैदावार हुई है, गेहूँ कितनी हुई है, चावल कितनी हुई है, इस तरीके की जो क्वेश्चन रहते हैं ये आपके पूछे जाते हैं नॉर्मली। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड बन रहा है उसमें अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाए। अर्थमेटिक के टॉपिक्स मतलब जैसे टाइम एंड वर्क के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। टाइम एंड वर्क आप कहेंगे अच्छा, जैसे SBI का नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस से क्वेश्चन होंगे, तो बहुत सारे लोग अर्थमेटिक के टॉपिक्स को कहते हैं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ से जब क्वेश्चन ही नहीं आने हैं। तो वहाँ पे चालाकी क्या करते हैं एग्जामिनर कि आपके DI के क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन उसमें जो है टाइम एंड वर्क पूरा इन्वॉल्व रहेगा। मतलब ऐसे आपके सामने टेबल बना के दे देंगे, यहाँ पे कह देंगे कि ये वर्कर्स हैं A B C D, ये जो काम है ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ए 8 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, सी 7 दिन में, ये 9 दिन में, इस तरीके से आपके सामने एक टेबल रहेगी कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरी टेबल में कितने दिन तक एम्प्लॉय किए गए हैं, जैसे ए केवल 2 दिन काम किया है, बी केवल 3 दिन काम किया है, ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कॉलम्स बना करके इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे आपको अगर किसी काम को करवाना है तो उसके लिए अगर आपने A C और D को लगाया है तो बताइए वो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ए और बी अगर 2 दिन काम करते हैं तो COD उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो रहेगा DI के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन लेकिन वो सारा कॉन्सेप्ट किसका आएगा, टाइम एंड वर्क का। ये फॉर एग्जांपल मैंने बताया है, सिर्फ टाइम एंड वर्क नहीं, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, हर तरह के यहाँ CISI पार्टनरशिप, हर तरह के क्वेश्चंस आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछे जाते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे। तो भूल करके भी अगर आप DI की तैयारी कर रहे हैं तो अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं उनको मत भूलिएगा, उनको मत छोड़िएगा, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। और ध्यान रखिएगा बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा। कई बार होता है कि लोग बैंक और SSC को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं दोनों का सिलेबस एक ही है क्वेश्चन पूछने का, तो एक की तैयारी कर लो दूसरा अपने आप तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो बेसिक्स हैं वो तो सेम ही हैं, वो तो मैथ की बेसिक्स हर जगह सेम है, लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अलगाव देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। जहाँ पे आप अगर SSC की बात करें, अगर इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि मैथ और बैंक के SSC में क्या यहाँ पे फ़र्क है, उस फ़र्क को आप समझेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं कहूँगा बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के उसको आप ट्राई करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि फॉर्मेट्स क्या हैं क्वेश्चंस के, कितने फॉर्मेट्स में पूछे जा सकते हैं और कितने तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंगल, मिक्स और DI जो कि अर्थमेटिक टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। और ये जो DI है अर्थमेटिक टॉपिक्स के ऊपर, ये प्री और मेंस दोनों में ही आपके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किसके लिए क्या आपको तैयारी करनी है, आप आसानी से कर सकते हैं।
अब अगर हम चलें कि आपके लिए बेसिक टूल क्या होना चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन का, मतलब अगर आप आज से शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें हैं जो एकदम पता ही होना चाहिए, मतलब उनके बिना आप डीआई का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो फॉर्मूलाज क्या हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर सकें, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करें। तो आपके सामने देखिए टोटल तीन ये प्रकार, अगर मैं कहूँ कि ये जो बेसिक है अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने जा रहे थे, ये तीन जो पॉइंट्स हैं आपको पता ही होने चाहिए कि इनको कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर ये नहीं पता तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत मात खाएंगे या फिर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे, कन्फ्यूज़ रहेंगे आप। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो वो है एवरेज, आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। एवरेज बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पे टेबल डीआई के केस में अगर मैं बात करूँ तो एवरेज के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके, और एवरेज निकालने का मतलब क्या है, एवरेज आपको अगर किसी भी यहाँ पे क्वांटिटी का या फिर किसी भी क्वेश्चन में एवरेज निकालना है तो करना क्या है, आपको यहाँ पे सम करना है, सम ऑफ क्वांटिटीज़, जितनी क्वांटिटीज़ हैं और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से, बस यही आपका एवरेज निकालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आंकड़ा दिया हो 7, फिर 3, फिर 10, फिर यहाँ पे 5 लिखा हो, अब मैं कहूँ इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटीज़, मतलब 7 3 10, 10 10 20, 20 और 5 25, तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ कितना हो गया 25, फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितने नंबर में है, ये तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 चौके 24 हो गया, पॉइंट लगाइए आपका 4 2 8, 4 5 20, ये आपका क्या आ गया 6.25, ये हो गया इसका एवरेज। ओके, तो इस तरीके से एवरेज निकालना आपको आना ही चाहिए, ये बेसिक आपके क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी और बेसिक यही आपका एवरेज होता है। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात क्या है, रेशियो की। रेशियो निकालना तो सबको आता है लेकिन सही से रेशियो निकालना सबको नहीं आता है। सही से रेशियो निकालने का मतलब, कई बार होता है कि क्वेश्चन आपके पूछा रहता है रेशियो निकालना है और उसमें ऑप्शन रहता है, जैसे आपने निकाला है यहाँ पे रेशियो आया 7:6 का रेशियो, तो जब आप आंसर टिक करने जाएंगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा 7:6 का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा 6:7 का, अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे दोनों में से सही कौन सा है। अगर बात की जाए नंबर्स की तो नंबर यहाँ पे 7 और 6 हैं, दोनों में 7 और 6 नंबर हैं लेकिन एक में 6 ऊपर है एक में 7 ऊपर है, तो कौन सा सही होगा। इसी में ज़्यादातर लोग या फिर कह सकते हैं जो नए प्रैक्टिस करने आते हैं, नए तैयारी करने आते हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहती है कौन सा इसमें से सही होगा, 7:6 या 6:7। कई बार पूछा जाएगा 6:7 सही आंसर रहता है, आप निकाल के बैठते हैं ये और टिक करके इसको चले आते हैं तो नेगेटिव नंबर प्राप्त होता है। एक तो आपने समय जो गंवाया क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो गया ही गया, साथ साथ में उसके लिए आपको अवार्ड हुआ नेगेटिव नंबर, मतलब आपको एक कदम और नीचे ले गया वो। ओके, तो रेशियो आपको निकालने का सही तरीका आना चाहिए, उसके लिए कुछ करना नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जो इसका भी रेशियो पूछा जाएगा आप उसको एज इट इज़ आपको रखना है। जैसे आपको रेशियो पूछा जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 2 स्कूल हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड रेशियो ऑफ, ऐसे पूछा जाएगा फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए टू बी, ऐसे। तो अब आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, ए बाई बी करेंगे या बी बाई ए करेंगे, तो आपको ए बाई बी करना है, मतलब जो क्वांटिटी या जो भी चीज़ पहले पूछी जाए, जिसके बारे में पहले बात हो वो आपकी ऊपर रहती है न्यूमरेटर में, जिसके बारे में बाद में बात होती है वो आपकी डिनोमिनेटर में रहती है, बस इतनी सिंपल सी चीज़ है। यही आप अगर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा और सही आंसर को आप टिक करेंगे, इतना सा बस करना था आपको और कुछ नहीं। ओके, दो चीज़ें आपको समझ में आई। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे बढ़ते हैं, वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, इसका मतलब ये नहीं पूछा जाएगा एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। मान लीजिए यहाँ पे जैसे अभी हमने 2 स्कूल की बात करी ए और बी की, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल बी, मतलब ए वाले जो स्कूल के बच्चे हैं वो कितने परसेंट हैं बी वाले स्कूल के बच्चों की तुलना में। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन हो रहा है एक तरीके का, जैसे रेशियो में कंपैरिजन होता है वैसे परसेंटेज में भी आपको बताना है कि कितने परसेंट हैं दूसरे स्कूल की तुलना में, तो आपको हमेशा इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है। ये वाली चीज़ तो आपकी सेम ही रहेगी, समथिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी, नाम इसका चेंज होता रहेगा, बीच का फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। तो जहाँ भी आपको ये फॉर्मेट दिखे समथिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ समथिंग एल्स, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है x अपॉन y इंटू में 100, इंटू में 100 करना मत भूलिएगा,
और आपको वो परसेंटेज वाली वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे स्कूल ए से अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या मान लीजिए है 100 और स्कूल बी से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या है 50। अब मैं पूछूँ इस तरह का क्वेश्चन रहे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल बी, तो जैसे ही आपको समझ में आया समथिंग इज़ व्हाट परसेंट ऑफ समथिंग एल्स, तो आप क्या करेंगे, x अपॉन y इंटू में 100। तो x में क्या रखेंगे, 100 बटे में क्या आ जाएगा 50, गुणे में क्या आ जाएगा 100, 50 गुणे में 2 ये आपका 100 हो जाएगा, ये कितना गया 200%। ओके, तो ये आपके आसानी से आंसर निकल आएंगे अगर आपको फॉर्मेट पता है, तरीका पता है कैसे सॉल्व करना है। अब दूसरा इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, ये भी आपका एक आपका टाइप बनता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समथिंग इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y या फिर समथिंग एल्स। इसमें कई बार होता है कि आपके सामने क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि x इज व्हाट परसेंट मोर देन y या x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, और कई बार जो है ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी दी नहीं जाती है और सीधे पूछ लिया जाता है x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y और आपको बताना रहता है। तो इसका क्या आपका फॉर्मूला होता है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जो भी पूछे x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, आपको फॉर्मूला यही लगाना है x माइनस y अपॉन में y इंटू में 100। ये आपका फॉर्मूला है, चाहे मोर पूछे चाहे लेस पूछे, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे आपको फॉर्मूला यही लगाना है। अब आप कहेंगे इससे दोनों कैसे निकलेंगे, देखिए जब भी आप x माइनस वाई करेंगे, जो ऊपर वाला डिफरेंस है जब इसको आप निकालेंगे x माइनस वाई करेंगे, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो मोर होगा, अगर x माइनस वाई की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका आंसर लेस होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे इस केस में दो वैल्यूज़ आपके सामने दी रहे a और b, ठीक है 100 और 50, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि a इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, तो क्या करना है, x की जगह पे मुझे रखना है 100 और y की जगह पे मुझे रखना है 50 अपॉन में रखना है 50 इंटू में 100। अब अगर देख करके बात समझ में आ रही है कि अच्छा ये तो ज़्यादा ही है, कितना ज़्यादा है, तो देखिए 100 में से आप 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 ही आएगा, और 50 से 50 ये कट जाएगा, बचे कितना 100%, तो कितना ज़्यादा होगा 100%। यहीं पे अगर पूछा जाता b इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, तब क्या होता, उस केस में 50 पहले आ जाता और फिर क्या आता, नीचे आता 100 और डिवाइडेड बाई क्या होता 100 और इंटू में होता 100, ये इससे कट जाता। अब देखिए 50 में से 100 घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में 50%, तो आपको समझ में आएगा कि b जो है वो 50% लेस है a से। ओके, तो आपको फॉर्मूला यही रखना है, मोर और लेस का डिसाइड कैसे करना है आपको, कि अगर x माइनस वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोर होगा, नेगेटिव है तो लेस होगा, बस यही करना है आपको, और कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं, आंसर आपके सामने निकल के ही आएगा। ध्यान रखिएगा बस कि डिवाइड आपको y से करना है, मतलब जो बाद वाली वैल्यू है, मतलब जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है, यहाँ पर एक्स का कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, y से, तो उस वाली वैल्यू को आपको नीचे रखना है तभी आपका सही आंसर आएगा। ओके, अब हम बात करें लास्ट वाला जो कि है परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन, कि अगर परसेंटेज चेंज पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई भी डेटा दिया है आपसे, पूछ लिया गया ईयर 2006 से 2011 के बीच में आपको कोई भी डेटा है उसका परसेंटेज चेंज कितना है ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है कि जो भी फाइनल वैल्यू हो, फाइनल वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2011 जो बाद वाली वैल्यू होगी वो फाइनल वैल्यू होगी, उसका आपको डिफरेंस निकाल लेना है 2006 से, मतलब इनिशियल वैल्यू से। ध्यान रखिए डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, घटाने को नहीं कह रहा हूँ, घटाने का मतलब क्या होगा, जैसे ऊपर हमने किया है x माइनस वाई, इसका ही वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ डिफरेंस निकालना है तो इसकी ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। डिफरेंस का मतलब केवल आपको बताना है, जैसे मैं कहूँ 100 और 50 में कितने का डिफरेंस, आप कहेंगे 50, मैं कहूँ 50 और 100 में कितने का डिफरेंस, आप कहेंगे 50, वैल्यू कभी डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता है, आप ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा, तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, डिफरेंस ही निकालना है, क्योंकि आपको परसेंटेज चेंज बताना है, मोर और लेस नहीं बताना। ओके, और फिर आपको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है इनिशियल वैल्यू से, और फिर आपको करना है आखिरी काम इंटू 100 का, ये आपका फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा फाइनल वैल्यू का डिफरेंस लेना है इनिशियल वैल्यू से और फिर उसको आपको डिवाइड करना है इनिशियल वैल्यू से इनटू में 100, तो आपका निकल के आएगा परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ओके,
तो ये आपका ऐसे दिया रहेगा ईयर वाइज, और ईयर में ही दिया जाता है, या फिर आपका अगर कोई सीक्वेंस लिखा हो तो सीक्वेंस वाइज आपका दिया जाएगा कि सीक्वेंस से सीक्वेंस के बीच का परसेंटेज चेंज कितना है। बस ये आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज आखिर है कितना। ये ज़ीरो भी हो सकता है कि कोई चेंज ही ना हुआ हो, ठीक है। तो कई बार इसके आंसर ऐसे आते हैं, और इसके क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कोई ईयर दिया ही नहीं होगा, और आपसे कहेगा कि आपको बताने ओवर द ईयर परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। तो जब भी ऐसे लिखा रहेगा आपके लिए ओवर द ईयर, तो इसका मतलब क्या होता है ओवर द ईयर का मतलब, अब इसमें कोई ना तो फाइनल वैल्यू लिखी है ना तो इनिशियल वैल्यू, ओवर द ईयर पूछा है तो क्या निकालेंगे। तो जब भी ओवर द ईयर पूछेगा तो आपको फाइनल वैल्यू के तौर पे आपको लेना होगा जो आपका सबसे आखिरी वाला ईयर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2005 से ये डेटा दिया गया था, 2005 से लेकर के 2011 तक, तो सबसे आखिरी डेटा किसका है 2011 का। तो सबसे आखिरी डेटा लेना है फाइनल वैल्यू के तौर पर, और इनिशियल वैल्यू के तौर पे आपको सबसे पहला वाला डेटा लेना है, यही आपका निकालता है ओवर द ईयर चेंज। ओके, ओवर द ईयर का मतलब शुरू से लेकर के अंत तक, सबसे आखिरी वाला फाइनल वैल्यू, सबसे शुरुआत वाला इनिशियल वैल्यू, और आप आंसर निकालेंगे। और अगर केवल आपको क्वेश्चन में एक ही ईयर दिया रहे और परसेंटेज चेंज पूछे कि आपको 2006 का परसेंटेज चेंज ऐसे पूछे बताना है, तो अगर केवल 2006 लिखा है कि 2006 में परसेंटेज चेंज कितना है ये आप बताइए, इसमें आपकी इनिशियल वैल्यू तो दिया ही नहीं है, कहाँ से बताना है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अगर 2006 पूछेगा और केवल 2006 ही रहेगा तो इसके लिए फाइनल वैल्यू तो 2006 ही होगा, इनिशियल वैल्यू इसके पहले वाला साल मतलब 2005 को आप इनिशियल वैल्यू के रूप में लेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अगर केवल एक ईयर दिया है तो फाइनल वैल्यू वही ईयर और उससे एक पहले वाला इनिशियल ईयर। ओके, तो ये थे आपके बेसिक फॉर्मूलेस जो आपको पता होने चाहिए डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कहीं भी पूछे जाते हैं। और अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन है, जैसे एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स आप यहाँ पे कर दिए क्वेश्चन गलत, फाइनल वैल्यू डिफरेंस इनिशियल वैल्यू अपॉन में फाइनल वैल्यू किए क्वेश्चन गलत, ओके तो इसका आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। ओके, तो ये हमने क्या क्या सीखा अभी यहाँ पे, तो अगर हम एक बॉटम लाइन लें इसकी कि हमको क्या समझ में आया, तो शुरुआत में हमने सीखा है कि फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन का। ओके, सबसे पहले हमने समझा है कि फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन का, उसके बाद हमने क्या सीखा है कि टाइप क्या होगा क्वेश्चन का, कि कितने आपके टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर हमने सीखा यहाँ पे कि जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो क्या हैं और कैसे उनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको आपको याद रखना है, समझना है कि क्या आपको अप्लाई करना है। कुछ भी उल्टा सीधा अप्लाई किया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बॉटम लाइन यहाँ पे निकल के ये आती है कि अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको हर एक ग्राफ से, हर एक टाइप से सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होगा अपने आप को, और आपको पता होना चाहिए कि उसमें से डेटा कैसे फेच करना है। जैसे आपने केसलेट से पैराग्राफ डीआई कभी पढ़ा ही नहीं, एग्जाम में केसलेट से पैराग्राफ डीआई से क्वेश्चन आ गया, आपको पता ही नहीं है टेबल कैसे बनानी है, उसमें से डेटा कैसे जनरेट करना है, फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने आप को आप परिचित करवाइए हर एक तरह के ग्राफ से, हर एक तरह के टाइप से, चाहे वो रेडार हो, चाहे वो आपका ट्रायंगल डीआई हो, चाहे वो केसलेट्स हो, पाई चार्ट हो, और उसके जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला काम आप तो ये करेंगे, फिर आप समझेंगे कि टाइप्स क्या हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आप प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं या प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके सिंगल डीआई के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप उस पर फोकस करिए, और उसमें भी ज़्यादातर या तो पाई चार्ट या तो आपके टेबल डायग्राम या तो लाइन डायग्राम, इन्हीं तीनों में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मेंस की बात करी जाए तो वहाँ पे मिक्स डीआई के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होते हैं, तो आप अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए कि सबसे पहले आपको सिंगल डीआई में महारत हासिल करनी है, फिर आपको मिक्स डीआई की तरफ आगे बढ़ना है। शुरुआत से अगर आप सबसे टफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एक समय ऐसा होगा कि आप देखेंगे दो चार क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप हार मान जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से करिए, एकदम आसान आसान से क्वेश्चन से करिए, भले ही वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा, बढ़ेगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है कैलकुलेशन स्पीड। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड सही नहीं है या फिर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आते हुए भी आप 5 मिनट में क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कि बहुत कह सकते हैं कि
खराब टाइमिंग होगी। 5 या 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो कैलकुलेशन की स्पीड आपको बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ेगी वो, कि आपको जो बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं वो सीखनी होंगी, और कैसे वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आपको समझना होगा। क्योंकि जो कैलकुलेशन वाली चीज़ है वो आपके हर एक तरह के क्वेश्चन में आएगी। आपको टाइम एंड वर्क आता है, लेकिन आखिरी में जाकर के सारे कॉन्सेप्ट लगने के बाद एक फाइनल स्टेज होती है जहाँ पर आपको कैलकुलेशन ही करना होता है। SI और CI के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आखिरी में आपको कैलकुलेशन ही करना होता है। तो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाइए। कहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको स्पीड मैथ करके एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के सारी ट्रिक्स जो हैं, जो छोटी छोटी हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करती है और स्पीड आपकी बहुत बढ़ती है, इसके 8-10 वीडियोज़ हैं, इसको आप देख लीजिए। तो आपके लगभग मैं कह सकता हूँ 70-90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहीं से, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। देख करके केवल छोड़ दे, चलो ठीक है ये मुझे नहीं आता है तो, या फिर इतना कौन करेगा, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड कभी तेज़ नहीं हो पाएगी। फिर बाकी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। आप जितने क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही चीज़ें आपकी सेव होती रहेंगी आपकी मेमोरी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ 24 × 5 कितना होता है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा 120 होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाइए, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें आपको टाइम ना लगे, वहाँ पर आप टाइम सेव कर सकें। हर एक क्वेश्चन में अगर आप अपना 5 या 10 सेकंड भी सेव करते हैं तो समझिए आप बहुत आगे जा रहे हैं। 10 सेकंड अगर आप सेव करते हैं हर एक क्वेश्चन में, तो हर एक तीसरे क्वेश्चन पे आप एक और नया क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप तीसरे क्वेश्चन तक जब तक बढ़ेंगे तो आप 30 सेकंड अपना सेव कर चुके होंगे, जिसमें आप एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे, तो अटेम्प्ट आपके बढ़ेंगे। अटेम्प्ट कुछ लोगों कम होते हैं ना, यहीं से कम होते हैं आपके अटेम्प्ट। अगर आप कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपके अटेम्प्ट अपने आप ही बढ़ जाएंगे। देखेंगे आप खुद ही कि पहले आप अगर 50 क्वेश्चन हैं या 30 क्वेश्चन हैं तो उसमें आप 20 कर रहे थे या 15 कर रहे थे, तो आप 25 करने लगेंगे अगर इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो। ओके, तो ये था बेसिक पार्ट। अब हम क्या शुरुआत करेंगे अगले पार्ट से, हम शुरुआत करेंगे टेबल DI से। हम टेबल DI के क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, 2010 में, 11 में, 15 में, 13 में, आपके IBPS, RBI या फिर SBI जहाँ के भी क्वेश्चंस हैं डेट टेबल के, वो मैं सारे उठाऊंगा और सारे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे उनको सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम में कैसे आते तो आप कैसे इसको सॉल्व करते। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सीधे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ आप सीखेंगे भी कि कैसे हम अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप बने रहिएगा साथ में, तो आपको सारे वीडियो साथ में मिलते रहेंगे। और वीडियो आपको ये कैसा लगा मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम क्या है DI को लेकर के, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर अवगत कराइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो बेसिक पार्ट है ये पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।